राजधानी शिमला के संजौली में सुबह सवेरे खूब बवाल मचा। यहां कूड़ा उठाने आई नगर निगम की गाड़ी का पुलिस ने चालान कर दिया, जिस पर सफाई कर्मी भड़क गए और चालान का विरोध करने लगे। सफाई कर्मियों ने कूड़ा उठाने से मना कर दिया और सभी कर्मी इकट्ठे हो गए। पुलिस के साथ इस दौरान बहसबाजी भी हुई। करीब आधे घंटे तक सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा नहीं उठाया और हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। इसके बाद चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और चालान रद्द करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा उठाना शुरू किया। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह से उन्हें तंग किया गया तो वो सफाई व्यवस्था ठप कर हड़ताल पर चले जाएंगे। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत ने क्या कहा, सुनिए। आज सुबह जैसे रूटीन से हमारी गाड़ी आती है, हमारे संजौली में तीन पॉइंट है और दूसरे पॉइंट पे गाड़ी आई हुई थी, इसमें जो है पुलिस वाला आया और फोटो खींच के ले गया और कहा कि तुम्हारा चालान हो गया। बाद में जब हम सारे वर्कर इकट्ठे हुए यहाँ पे, तो हमें बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 341 का मुकदमा दायर करेंगे और इनको जो है अपराधी घोषित करो। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, हम भी सेंट्रल सर्विस करते हैं, हम ऐसे नहीं कि हम जो है सुबह 5 बजे डोर टू डोर स्टार्ट करते हैं और घर घर से कूड़ा लाने में थोड़ा वक्त भी लगता है। इसलिए प्रशासन, आज तक तो प्रशासन ने हमारे साथ हर बार सहयोग किया है, हमने भी सहयोग दिया है, पर जो थोड़ी सी इन्होंने बदतमीजी भी की है, जो हमारे ऊपर मुकदमा दायर करने के लिए बोल रहे थे, वो जो है बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, बाद में ये मामला सुलझ गया है। नगर निगम की पार्षद आरती चौहान क्या बोली, सुनिए। आरती चौहान है, वार्ड नंबर 18 इंजन घर से पार्षद हूँ। मुझे अभी 15 मिनट पहले यहाँ पे कॉल आई है महिंदर जी की और यहाँ पे की पुलिस वाले यहाँ पे जो MC का ट्रक है जो हर रोज कूड़ा उठाता है उसका चालान कर रहा है। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंची, यहाँ पे हमारे सारे वर्कर्स इकट्ठे थे और पुलिस वाले जब मैं यहाँ पहुंची इन्हें धमका रहे थे, बोल रहे थे कि 5,000 का चालान होगा और गाड़ी आगे की जाए। तो हम भी पुलिस प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सुबह 5 बजे से डोर टू डोर गाड़ी स्टार्ट करता है और आज से नहीं, पिछले 5 सालों से संजौली में 3 जगह गाड़ी रुकती है या हमें बाजार से कूड़ा उठाना पड़ता है। और हमें बहुत दुख है कि पुलिस प्रशासन का हमारे वर्कर्स की तरफ इस तरह का रवैया है। तो हम भी पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो हमने यहाँ पे एंट्री के लिए हमारे पास पास होता है बेकायदा, साइड में पॉइंट बने हैं जहाँ से हम गार्बेज कलेक्ट करते हैं, इस तरह हमारे एम्प्लॉयज को डराना और धमकाना बहुत गलत है। इस बारे में हम चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे कि इस तरह पुलिस हमारे पे एम्प्लॉयज पे प्रेशर डाल रही है और हमारे एम्प्लॉयज को तंग कर रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।